पहले मुलाकात सर से ही हुई थी गणेश जी से डिपार्टमेंट में, उसके बाद फिर उसी के जस्ट बाद फिर मेरी शादी हुई, फिर बच्चे हुए और साथ साथ नई जॉब थी वो भी चल रहा था। तो सभी फ्रंट्स पे एकदम से, मतलब अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया, दिसंबर में शादी हुई और उसके बाद थोड़े समय के बाद ही बेटा भी हुआ, फिर मुझे अपने इन-लॉज और सबके साथ रहना हुआ। तो हर फ्रंट पे सभी नया था और सभी जगह पे कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। तो घर में चलता था तो उसको कहाँ डिस्कस करें, तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग डिपार्टमेंट में सर थे तो वहाँ का माहौल एक बहुत अच्छा हुआ करता था, एक हम लोगों के साथ में और हमारी मैडम थी सीनियर त्रिशला गुप्ता जी, उनके साथ भी तो वो सारी चीज़ें वहीं पर डिस्कस होती थी, तो बहुत सारी चीज़ों का हल मिलता रहता था, उस तरह से चल रहा था। फिर सर के साथ भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस होती रहती थी, धीरे धीरे करते करते फिर 2003 में मैंने पहली वर्कशॉप अटेंड की। जब वो वर्कशॉप अटेंड की तो एकदम से लगा कि जैसे आंखें खुल गई, कहाँ रह रहे थे, किन चीज़ों के पीछे भाग रहे थे, कहाँ परेशान हो रहे थे, इतना इस तरह का कुछ तो है ही नहीं। तो सर से यही कहा फिर, हम लोग ऐसा जी क्यों रहे हैं, इतना उल्टा पुल्टा सारा चल रहा है, चाहिए हमें कुछ और, भाग हम लोग कहीं और रहे हैं, इस तरह से कैसे चल रहा है। फिर खैर धीरे धीरे डिस्कस होते होते चीज़ें समझ में आई, जुड़े जुड़े बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं समझ में, बहुत सारी चीज़ें अभी भी नहीं आई हैं, लेकिन ये है कि अगर कोई भी कोई इशू आता है, कोई मुद्दा आता है, उस पर विचार करो तो एक क्लैरिटी है, और उसको जब एक बेसिक प्रिंसिपल्स पे देखने जाते हैं कि सस्वीकृति और उभय समृद्धि के आधार पर, तो चीज़ों का सल्यूशन निकल आता है, समझ में आ जाता है कि नहीं ये ठीक है, ऐसा करना चाहिए। वो आप लोगों की स्थिति बनती है, लेकिन उससे बहुत जल्दी निकल भी आते हैं कि नहीं ये करना ठीक है, तो डिसीजंस लेने बहुत आसान हो जाते हैं। काफ़ी समय तक मैं HPTI में इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट में रही, फैकल्टी रही, पहले लेक्चरर थी, फिर धीरे धीरे प्रमोशंस होते रहे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट भी रही। तो एक हम लोगों के साथ एक बहुत अच्छा ये था कि डिपार्टमेंट में लगभग सभी लोगों ने वर्कशॉप कर ली थी और सर बराबर साथ में रहते थे, तो उस समय इनिशियल, क्योंकि आप एक वर्कशॉप करके आते हो तो लगता है कि बस सब कुछ चेंज हो गया है, पर बाहर के लोगों के नहीं है, वो हम लोगों के साथ उतना ज़्यादा नहीं होता था क्योंकि सभी ने किया था और दूसरा सर रहते थे, तो कहीं कोई डाउट आता था, कुछ होता था, तो वो हम लोग दिन में दो बार चाय पे जरूर इकट्ठा होते थे, एक बार 11 बजे के आसपास और एक बार 3-4 बजे के, तो वो सारी समस्याएं हम लोग 15-20 मिनट डिस्कस हो जाती थी, तो काफ़ी अच्छा चलता रहा डिपार्टमेंट में। इस तरह से जर्नी चलती रही। फिर 2018 में, 2017 में मैं TCube कोऑर्डिनेटर बनी, उसी समय ये AICT ने लागू किया था, तो जब AICT ने लागू किया था तो इसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम कराना था। इंडक्शन प्रोग्राम कराने के पहले फैकल्टीज़ की वर्कशॉप 3 दिन की होनी थी, तो वो HBTI में ही हम लोगों को मिला एक कराने के लिए 3 दिन की वर्कशॉप, वो सेशन भानु भैया ने कराया था, उसमें भी हम लोगों के बहुत एक्सपीरियंस रहे, साउथ से बहुत सारे लोग आए थे, और जैसा कि इस वर्कशॉप का आमतौर पे होती है कि एक ही, मोस्टली एक व्यक्ति ही करते हैं, तो सबको बहुत ऑब्जेक्शन था कि एक वर्कशॉप हो रही है और सभी लोग सभी अलग अलग सब्जेक्ट्स के थे, तो एक ही कैसे इसमें रिसोर्स पर्सन है, कैसे आपने कर दिया सिर्फ एक रिसोर्स पर्सन। पहले एक दो दिन मुझे बहुत, क्योंकि कोऑर्डिनेटर मैं थी उसको ऑर्गेनाइज कराने वाली, तो बहुत क्वेश्चंस आए, एक रिसोर्स पर्सन कैसे है उसको, फिर धीरे 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 उसको हम लोगों ने डील किया। फिर जब 3 दिन हो गए तब लोगों को एक पहली वर्कशॉप में, और वो भी 3 दिन की, बहुत बात तो नहीं आती समझ में, लेकिन फिर कम से कम ये क्लैरिटी हो गई कि हाँ भाई एक ही के साथ एक कंटिन्यूटी बनी, और वो फिर पूरे 3 दिन हुए। उसके बाद उस इंडक्शन प्रोग्राम को जब मैंने खुद HBTI में कराया तो उसके रिजल्ट्स भी स्टूडेंट्स में बहुत अच्छे देखने को मिले, वो जिन बच्चों ने किया था उनका ओवरऑल पार्टिसिपेशन, इंस्टीट्यूट में कोई भी फंक्शन होता था, स्पोर्ट्स होते थे, तो उसमें एकदम ड्रास्टिक चेंज मिला। पहले हम लोग परेशान रहते थे कि फंक्शन हो रहा और बच्चे ही नहीं आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद में देखा कि बच्चों का, फिर ये समझ में आया कि उनको भी इन्वॉल्व करने की जरूरत है, बच्चे आ रहे हैं उनकी अपनी समस्याएं हैं, मतलब उनको भी, उनका भी हल मिला। उसके बाद से इंडक्शन प्रोग्राम तो एक बिल्कुल अच्छे से कराने का, और कुछ ऐसा हुआ था कि उस बार हुआ भी बहुत अच्छी तरह से था, सारे सेशंस ह्यूमन वैल्यूज के भी और बाकी भी बहुत अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो पाए थे, तो बच्चे बहुत इन्वॉल्व हुए थे। फिर 2018 में मुझे अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप, अब इसका नाम अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन हो गया है, मुझको वहाँ पे डायरेक्टर होने का सौभाग्य मिला। तो जब मैं वहाँ पर गई
तो सबसे पहला काम मैंने वही किया कि सारी फैकल्टी को वर्कशॉप करवा दिया, और अपना काम आसान करने के लिए तो संयोग से जैसे ही मैंने ज्वाइन किया था मार्च अप्रैल में, और जुलाई अगस्त में आईआईटी में ही वर्कशॉप हो रही थी, तो सबके लिए मैंने कंपलसरी किया कि पहले क्लासेस वगैरह सब मैनेज हो जाएंगी, पहले आप लोग जाके वर्कशॉप करके आओ, या कोई ऐसा बड़ा टाइम नहीं होता कि उसको हम लोग मैनेज ना कर पाए। दो वर्कशॉप्स में करा दिया था, कुछ को एक में भेज दिया था, कुछ को एक में, तो उससे मेरा काम वहां भी काफी आसान हो गया। एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर बहुत सारी समस्याएं आती हैं, लेकिन उसको करने से वो काफी हद तक कम हो गई। दूसरा मैंने ये देखा कि जब ये वर्कशॉप कर रखे हैं, एक थोड़ा सा कॉम्पिटेंसी और इंटेंशन की क्लैरिटी हो जाती है, तो ये समझ में आ जाता है कि जो लोग हैं उनके भी इंटेंशन में तो डाउट होना खत्म हो जाता है, तो जो कॉम्पिटेंसी वाला इशू होता है उस पर उनकी हेल्प कर दो, तो उस पर उनकी हेल्प कर दो, तो मैं वहां पर काम करा पाई लोगों से, जो करना चाहते थे जिस तरह का करना चाहते थे उस तरह की चीजें हो पाई। उसमें ये भी देखा मैंने कि एक जो नेचुरल जस्टिस होता है, नेचुरल न्याय, उसका भी बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप किसी के साथ, मतलब कोई अपनी समस्याएं लेके आता है, यूजुअली दो लोगों की इस तरह की जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, अगर उनको देखो और थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाओ तो समझ में आ जाता है कि एक्चुअल क्या हो रहा है। तो उसके बाद अगर थोड़ा सा नेचुरल जस्टिस का ध्यान रख लिया जाए तो फिर बहुत चीजें फैलती नहीं है, लोग भी समझ जाते हैं। किसी के साथ अगर आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़े तो भी वो मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दूसरे को भी समझ में आता है कि हाँ कुछ गलती हुई है। मोस्टली तो ऐसा होता है कि अगर गलती हुई है किसी की, उसको बुला के बात करके समझा दो तो भी चीजें सुधर जाती हैं। ए ने क्लियर कर दी थी, भाई मुझे काम चाहिए, जो काम है वो काम आपको करना है, आप जैसे भी करो, जो प्रॉब्लम आ रही है वो रिजॉल्व करने के लिए हम हैं, लेकिन हम किसी के ऊपर बहुत प्रेशर नहीं डालेंगे। तो उसको भी, उसका भी एक बहुत अच्छा वो मिला बिना प्रेशर के। अब मैं शेयर करती हूँ, एक टेन्योर मैंने पूरा कर लिया था 2021 दिसंबर में, 22 में मुझे दूसरा टेन्योर के लिए जाना था दोबारा इंटरव्यू के लिए, तो वहां पर ये बात हो रही थी कि हाँ आप ऐसी हैं जो निर्विवाद, मतलब जिसको सभी लोग चाह रहे हैं कि दूसरा टेन्योर मिल जाए। उसमें ये भी होता था कि आपने सबको बहुत छूट दे रखी है, लोग बहुत फ्री रहते हैं, सब अपने मन से काम, सब अपने मन के हो गए हैं, तो वो भी डिस्कस हुआ। हमने कहा भाई मन के हो गए हैं, लेकिन क्या कोई काम सफर कर रहा है, क्या कहीं क्लासेस में कोई वो हो रहा है, या और किसी फ्रंट पे कोई काम नहीं हो रहा हो, इंस्टीट्यूट आगे बढ़ रहा है, पहले ब्रांचेस चल रही थी और ब्रांचेस ऐड हुई, एक्रेडिटेशन हुआ, प्लेसमेंट भी अच्छे हुए, तो अगर सब चीजें अच्छी हो रही है, तो लोग अपने मन से कर रहे हैं, तो उसमें क्या नुकसान है। तो उस तरह से, मतलब ये कहना चाहिए कि जो वर्कशॉप की और जो रेगुलर टच में रहते हैं, अभी भी कभी कोई समस्या आती है तो सर से डिस्कस कर लेते हैं कि इस तरह का इशू हो गया क्या किया जाए, जब कोई अपने लेवल से ऊपर चला जाता है तो उसका लाभ मिल रहा है। और मुझे अपने अंदर भी बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आ गई है, किस चीजों के पीछे नहीं भागना है वो भी बिल्कुल क्लियर हो गया है। शांति अपने आप में एक पीस रहती है, तभी आप दूसरों के साथ काम कर पाते हो, वो क्लैरिटी हो गई है। बहुत सारी चीजें शायद क्लियर नहीं हुई हैं, लेकिन वो ये है कि धीरे धीरे वर्कशॉप्स होती है और जब चीजें आती हैं सामने तो कहीं ना कहीं उनका भी सलूशन मिल जाता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी, आप सभी लोगों को 8 दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये तो विश्वास ही है कि सभी लोग कुछ ना कुछ, काफी कुछ नया सीख करके जाएंगे ही यहाँ से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।